संगीत सरिता श्रोताओ, आजकल आप सुन रहे हैं सुप्रसिद्ध सितार वादक पंडित कार्तिक कुमार द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम, जिसमें ऐसे रागों की चर्चा की जा रही है जिनमें तीव्र और शुद्ध दोनों मध्यमों का प्रयोग किया जाता है। चौथी कड़ी में हम आपको सुनवाएंगे राग मारू बिहाग। विविध भारती के श्रोताओं को कार्तिक कुमार का नमस्कार। श्रोताओ, जैसे कि आप पिछले कुछ दिनों से सुन रहे हैं ऐसे रागों का चर्चा जिसमें दोनों मध्यम का प्रयोग होता है, शुद्ध मध्यम और तीव्र मध्यम। आज दो मध्यम का ऐसा एक सुंदर रागों का चर्चा करेंगे। ये राग का नाम है मारू बिहाग। मारू बिहाग बहुत ही प्रचलित है, बहुत सुंदर ढंग से गाया जाता है। ये गाने का राग है, वाद्य यंत्र में बहुत कम सुनाई देते हैं। राग मारू बिहाग में तीव्र मध्यम और शुद्ध मध्यम का जो प्रयोग है अति सुंदर ढंग से प्रयोग किया जाता है। सिर्फ ये उनका आरोहण जो है, आरोहण और अवरोहण जो सही कोई प्रयोग करे तो राग का स्वरूप सही होता है। तो आरोहण है, ये जाति है ऊर्व संपूर्ण, इसमें भी गंधार बाजी निषाद संबादी। मारू बिहाग राग का आरोह अवरोह, निशा गामा पानीसा सानी धापा मागारेसा। विस्तार में शुद्ध मध्यम कैसे प्रयोग किया जाता है देखिए। ये रूपक ताल है सात मात्र का। Thank you.
फिल्मी संगीतकारों ने इस राग का किस ढंग से प्रयोग किया है और कितने सुंदर सुंदर रचना किया, आइए हम सब सुनते हैं। लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत आपने सुना। राग मारू बिहाग पर आधारित ये गीत फिल्म अजीबस शुक्रिया से लिया था। संगीत सरिता में अभी आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध सितार वादक पंडित कार्तिक कुमार द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम। तबला संगति योगेश शमसी की थी। तकनीकी सहयोग दिनेश दाभोलकर का था। प्रस्तुति सहयोग वीणा राय सिंघानी का। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपाली रूपक।